दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। दोस्तों आज मैं इलास्टिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। इलास्टिसिटी जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स सिंगिंग मैकेनिक सब के लिए, तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एनक्रीन से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है, रेडियस 3 मिलीमीटर है, इससे 10 केजी का ऑब्जेक्ट लटका हैंग कर रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट सगुफा फाइंड आउट स्ट्रेस। क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का स्पेलिंग में एस छुटा हुआ क्या? ये मार्कर दो वहां से। नहीं है भाई, इसको मार्कर लगा दो नीचे ही रखे था। और मार्कर देखो तो क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन को समझा जाए, एक वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है, रेडियस और सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है वो 3 mm है, mm को मीटर में चेंज करना जरूरी है, इसके लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीएस एरिया लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कोई सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एम का मान 10 दिया हुआ, 10 केजी लटका है, जी आपको याद रखना है 9.8, पाई का मान 3.14, रेडियस 3×10^-3, ये और ये कैंसिल होकर 3.14 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर पे स्क्वायर तो -6, इससे डिवाइड कीजिए, इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द अबव क्वेश्चन, मतलब दोनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, यही सब कुछ है। यंग्स मॉडुलस दिया गया है और कह रहा है कि बताइए कि तार में जो 10 केजी जो लटका है इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट इन लेंथ निकालना है। इंक्रीजमेंट इन लेंथ, लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, स्मॉल एल निकालना है आपको, स्मॉल एल। तो इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, एफ इंटू कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ बाय एरिया गुने इंक्रीजमेंट इन लेंथ, इलोंगेशन इन लेंथ, यही आपको निकालना है स्मॉल एल। फोर्स की जगह फिर एम जी डालिए, वेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, इससे स्मॉल एल निकालिए, इसको ऊपर लाइए, वाई को नीचे भेजिए यंग्स मॉडुलस। अब इसमें सारे वैल्यू दिए गए हैं, एम देखिए कितना डालना है 10, जी 9.8, एल 4 मीटर, पाई का मान 3.14, आर का ये वैल्यू और वाई का ये वैल्यू बताएं और कैलकुलेट करें। जो लोग 4:30 बजे आए थे वो लोग कर चुके होंगे इतना काम, आप लोग से निकाल लिख के छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे करें खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यंग्स मॉडुलस पे ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन भी उसी पे रिलेटेड है, आप कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबा तार है जिसका डायमीटर दिया गया व्यास 0.5 mm, इसको मीटर में चेंज करें, इससे भी 10 ही केजी लटका रहे हैं। अब आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है, लेंथ में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 0.238 cm है, cm को मीटर में चेंज कीजिए, फिर y का फॉर्मूला पुट करें, f के जगह mg, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आपको d by 2 लिख सकते हैं, ये भी एरिया होता है सर्कल का पाई d स्क्वायर by 4। अब इसमें सारे मान दिए गए हैं, इसको पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, आंसर कहाँ डालिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स अपने नाम के साथ। आगे आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है कि 5 मीटर लंबा तार है जिसमें कितना केजी का ऑब्जेक्ट लटका है, लेंथ में 0.2 mm का इंक्रीजमेंट हो। अब ये मास पूछ रहा है कितना केजी का ऑब्जेक्ट लटका है। फिर वाई दिया गया जिसमें फिर वाई वाला ही फॉर्मूला हो, एक ही मामले पे सारा खेल हो रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर वही फॉर्मूला बैठाए और इससे एम निकालना, क्या निकालना है, इसमें सब कुछ दिया गया, पुट करें, कैलकुलेट करें और आंसर डालिए आप लोग कहाँ पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर। आगे आइए 5 नंबर, इसमें कहा कि 60 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर लंबे तार से लटकाया गया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 1.2 mm square। दोस्तों यहाँ पे लोगों से मिस होता है, एमएम स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 10^3 लोग -3 से गुना कर देते हैं जबकि ये -6 होगा क्योंकि एमएम पे स्क्वायर है, तो 10^-3 का स्क्वायर करें, यहीं पे हो जाता है, गलती यहीं पे होती है स्टूडेंट से, तो 10^-3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10^ कितना जाएगा, -6 हो जाएगा। अब आप स्ट्रेस समझ लो, फोर्स का एरिया, फोर्स हो गया एमजी, एरिया दिया हुआ है ही, पुट कीजिए, इस तक ही आंसर आ गया आपका। इसका सेकंड नंबर भी है, इसमें आपको स्ट्रेन पूछा जा रहा है, यंग्स मॉडुलस दिया गया है इसी क्वेश्चन से, मतलब स्ट्रेस यही रह गया, यंग्स मॉडुलस दिए गए हैं, स्ट्रेन निकालना है, इसका सीए वाला फॉर्मूला बैठाइए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, दोनों मान दिए गए, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लिख दीजिए। इस तरह से स्ट्रेन निकल गया, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यूनिट नहीं लिखा गया है। फिर थर्ड नंबर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कारण क्या पता है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ क्या होगा, इंक्रीजमेंट इन लेंथ, स्ट्रेन दिया गया है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, इंक्रीजमेंट इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये स्मॉल एल निकालना है, इस कैपिटल एल को उधर भेज दीजिए, इस तरह से इंक्रीजमेंट इन लेंथ निकालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जैसे सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर है, इसका भी शेप कैसा है, सिलेंडर ही है, इसके ऊपर 1000 kg का ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे खड़ा किया और इस पर क्या करना, 1000 kg का वेट रख दिया, क्या हो चिपक जाएगा, ये दबेगा ना, ये 1000 kg रख रहे हैं, 1-2 kg नहीं रख रहे हैं, क्या होगा, इसमें कॉम्प्रेशन होगा, लेंथ है 0.8 मीटर, रेडियस 3 cm, cm को मीटर में चेंज किए, 1000 kg रख रहे हैं, 1000 kg है, 10^3 हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस मालूम है, स्ट्रेस निकालना है, फोर्स बाई एरिया सेम का, स्ट्रेन निकालना है, यंग्स मॉडुलस मालूम है तो डिवाइड कर दिए स्ट्रेस से, फिर स्मॉल एल निकालना है तो स्ट्रेन गुने कैपिटल एल, कैपिटल एल दिया गया है 0.8 मीटर। 7 नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक पूरा स्ट्रेट रॉड है, इस तरह से पूरा सीधा था, ये फ्लैट एमएस फ्लैट कह सकते हैं, माइल्ड स्टील का फ्लैट है, और बीच पे यहाँ कुछ लटका रहा है, बीच में लटकाने पे क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा, बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगी, बीच में अगर हम लोड डालेंगे तो क्या होगा, ये झुक जाएगा बीच से, तो झुक के ये फॉर्म आ गया है। तो आपसे कह रहा है कि पूरा लेंथ है 12, हमने 20 से एल एल आधा कर दिया, ये जो नीचे जा रहा है, नीचे तरफ जो जा रहा है उसको ए माना गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो मुड़ गया, बेंड कर गया, इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, क्या निकालना है, टेंशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेंशन का ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया होगा, प्रूफ कीजिए टेंशन इतना होगा, ये टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ये वैल्यू होगा, ये प्रूफ करना है हम लोग को, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ दैट द टेंशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस वाई पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे, ये जो लोड लटकाया, यही चीज यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इंक्रीजमेंट इन लेंथ क्या होगा, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, इनिशियल लेंथ टोटल 12 है, बाद का जो टोटल लेंथ होगा ये एल पी प्लस पी एम, ये दोनों बराबर होंगे, ये एल है बीच से, ये भी ए है, इधर भी एल है, ये है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एच का फॉर्मूला √P² + B² L² + A²
एक साइड पे इधर का आया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर का भी यही आएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डबल है तो दो से गुणा कर दीजिए। इसमें ये टोटल क्या है इनिशियल 2l है, इसको माइनस कर दीजिए। इंक्रीजमेंट इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ ये दोनों को जोड़ दिया तो इतना आया आपका 2 इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तरफ का इतना है, दो तरफ से दो से गुणा कर दिया और माइनस 2l कर दिया। इसको सॉल्व करना थोड़ा हाँ दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दें। ये जो रूट का मतलब पावर हाफ होता है पता है आप लोगों को, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। एल स्क्वायर हम इन दोनों में से कॉमन लेना चाहते हैं, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट के साथ, ये बाहर हो गया स्क्वायर हट जाएगा एल हो गया, ये बच जाएगा वन ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये बाहर गया ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, रूट के बाहर गया तो एल हो गया। फिर से देखिए एल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ए स्क्वायर है, हम एल स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहे हैं, इधर तो एल स्क्वायर है नहीं, एक एल स्क्वायर के दिमाग में आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई भी कीजिए डिवाइड भी कीजिए, एक ही चीज से गुना भाग दोनों करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला एल स्क्वायर बाहर निकल गया, नीचे वाला एल स्क्वायर रह गया, इस तरह से यह आया रूट का मतलब पावर हाफ पुट कर दिया। और याद कीजिए जब हम मैथमेटिकल टूल बिठाते हैं आपको शुरू में 150-200 फॉर्मूला, इसका प्रिंट आउट भी देते हैं, उसमें ये फॉर्मूला भी आपको लिखाया गया था 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर एन हो तो 1 प्लस माइनस एन एक्स करने ना, हमने पूरा उन फॉर्मूलों को जमा किया उसको 20 साल के एक्सपीरियंस से जिनका यूज होना है प्राय लेवल 12 आगे जब तक पढ़ते रहे फिजिक्स, जो आपको फॉर्मूला सेट प्रिंट आउट दिया गया था कौन कहाँ कहाँ कौन फॉर्मूला यूज होने वाला है आगे देखते हुए। यहाँ पे ये वही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इस पूरे को एक्स माना जाए, ये काफी कम होता है एक से, जब एक से कम होगा तो ये पावर से फिर इसी को मल्टीप्लाई कर, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2l 2l कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 या ए स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ये 2l बाहर चला गया, 2l इंटू 1 लिख सकते हैं आप, 1 बच गया यहाँ पे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2l ए स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, एक एल यहां से कैंसिल, टू टू कैंसिल, ए स्क्वायर बाई एल, ए स्क्वायर बाई एल, ये निकला आपका इंक्रीजमेंट इन लेंथ, स्मॉल एल निकल चुका है। वाई का ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स बाय एरिया ओरिजिनल लेंथ बाय इंक्रीजमेंट इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ देखिए कितना एल प्लस एल दैट इज 12, इसलिए ओरिजिनल लेंथ 12 पुट किया गया है। स्मॉल एल का ये मान यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाई एल, इसको पुट किया गया, फोर्स भागे में जो टेंशन है वही ना फोर्स होगा यहाँ पे, एफ की जगह पे यही टी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और टी निकालिए, देखिए ये भाग रहा है ना, एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टी का देखिए फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। 8 नंबर 7 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसमें तो प्रूफ करना था, इसमें सारा मान दे दिया, वाई दे दिया, आर दे दिया, ए दे दिया, एल दे दिया, और टेंशन निकालना है, क्या निकालना है टेंशन, सब दिया गया है इस फॉर्मूले पे, पुट कर दे निकालना है। 8 नंबर तक आज हुए, बाकी क्वेश्चन बना क्या है हम लोग अगले दिन देखेंगे। आंसर डाले YouTube क्या आंसर डाले YouTube कमेंट बॉक्स, हाँ आंसर डाले YouTube के कमेंट बॉक्स, कुछ अमल भी कीजिए आप लोग, होमवर्क को होमवर्क समझना नहीं तो पिटाई भी लगेगी। धन्यवाद, बस ढकलो पे वीडियो को क्योंकि उल्टा के पूरी है।